Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolit Classes. Today I will discuss about biological classification. This is a chapter 2 of class 11th biology. Then you can see in this picture, this is a 6 kingdom classification. Okay. आज जो मैं आपका डिस्कस करने वाली हूँ है वो है आपका जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपकी RHVT करने दिया था, ठीक है ना, जिसमें आपका किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, देन किंगडम फंजाई, देन आप किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया. इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है ना. तो आप लोग रेडी हैं? ओके, गुड, वेरी गुड. ओके, देखिए लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, ठीक है ना. फिर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका जो आपका दिया था कैरोडा सीनियस, इसमें आपका किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया था, राइट. किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ओके, देखिए किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, कार्लिनियस या कैरोडा सीनियस, ठीक है ना. ओके गाइस, फिर नेक्स्ट जो आपकी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो हमने देखे थे. लाइक आपका यूग्लिना था, ठीक है ना, देन आपका साइनोबैक्टीरिया था, लाइकेन था, स्पॉन्जेस थे, है ना. इन सबको हमने देखा था, ये आपका लाइकेन है, राइट. देन फिर हमने देखा था जो आपकी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल थी, ठीक है ना. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को देखा था, इनमें डिफरेंस देखा था हमने, ठीक है ना. ये देखिए डिफरेंस है आपका ये, ठीक है ना. देन आपका कुछ कुछ इसमें आपके कॉमन फीचर्स थे वो हमने देखे थे, ठीक है ना. ये है आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपका दिया था RHVT करने, रॉबर्ट HVT करने 1969 में, ठीक है ना. जिससे आप किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी एंड एनिमेलिया है, राइट. फिर हमने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक है ना. पूरा चार्ट देखा था करेक्टरिस्टिक्स का, राइट. फिर हमने देखा था आपका क्राइटेरिया, ठीक है ना. इसमें आपका है वेट, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना. तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट टू टाइप की आपकी सेल होती है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपकी टू टाइप की होती है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसमें, ठीक है ना. सब प्लांट्स आपके ओट्रॉप्स होते हैं, फंजाई हेटरोप्स, ठीक है ना, एनिमल हेटरोप्स एंड इंजेक्शन करते हैं. लाइफ स्टाइल दिखती थी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखा था, राइट. यही था आपका इन सब में, है ना. देखिए क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना. आपका RHVT करने दिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड फायरोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना. ये आपका क्राइटेरिया रखा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लास, मतलब 5 किंगडम जो था उनको क्लासिफिकेशन करने का, ठीक है ना. क्या क्राइटेरिया होता है ना. तो देखिए आप लोग का फर्स्ट है ये, ठीक है. देन आपका सेकेंड ये है, ओके. थर्ड देखिए आप लोग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. आपके ओटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, ये सब मैंने आपको बताए थे. देन आपका है मोड ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन, जिसमें प्रोड्यूसर्स था, कंज्यूमर्स था, ठीक है ना, एंड डीकम्पोजर्स था. फिर आपका था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, राइट. हमने इसको भी देखा था. आज हम डिस्कस करेंगे द 5 किंगडम. तो द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, राइट. यही है आपका, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना. ऑर्गेनिज्म मोनेरा कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और इनमें स्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है DNA के साथ में, राइट. देन आपका है यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में आपके प्रोटिस्टा भी आते हैं, ठीक है ना. देन आपकी फंजाई आती है, प्लांटी आती है और एनिमेलिया आता है. बट प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना. और आपके जो फंजाई है, ठीक है ना, प्लांटी है, ये भी आपकी मल्टी सेलुलर होते हैं. देन फंजाई क्या करते हैं, डू नॉट परफॉर्म फूड सिंथेसिस, ये फूड सिंथेसिस नहीं करते, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. प्लांटी अपना फूड खुद बनाते हैं. एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, राइट. देन यहाँ देखिए किंगडम प्रोटिस्टा है, जैसे प्रोटोजोअन से आपके, ठीक है ना. किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया है, किंगडम फंजाई मशरूम यीस्ट मोल्ड, ठीक है. किंगडम प्लांटी है कॉनिफर ट्री, ठीक है. किंगडम एनिमेलिया है ये, ओके. नेक्स्ट आपका फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है. आपकी कार्ल वॉइस ने दिया, तो मैं इसको आपको बताऊंगी बट सबसे एंड में, राइट. नेक्स्ट देखिए टैक्सोनॉमी, ठीक है ना. इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, मैंने आपको पूरी हायरार्की पढ़ाई हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए, ओके. ओके ना, देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन RHVT करने दिया, प्रोकैरियोट्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यूकैरियोट्स में आपके यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है. किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, राइट.
इसमें लिखा हुआ है किंगडम एनिमल को सेल वॉल नहीं होती है, किंगडम फंजाई या किंगडम प्लांट के पास सेल वॉल होती है। तो चलिए फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा से, ये कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स द मोस्ट एंशिएंट द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट्स। ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इनके पास कई सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं ये, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना, एक कोशिका के बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक, मतलब इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन मोस्ट कंडीशन, ठीक है ना, कहाँ पर रहते हैं, मोस्ट कंडीशंस में। इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं सेल एग्रीगेट टू फॉर्म शॉर्ट चेन एंड फिलामेंट्स, ठीक है ना, मतलब कुछ आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेल, मतलब सेल आपस में जुड़ जाती है, चेन सी बनाती हैं, ठीक है ना, और क्या बनाते हैं, फिलामेंट टाइप के बनाते हैं, ठीक है ना। दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस, इनके पास मैंने कहा था कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है लेकिन उसके न्यूक्लियस चाहता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड नेकेड स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना, इसके पास नेकेड डीएनए होता है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में डीएनए ऐवे ही पड़ा होता है, ठीक है ना, उसके मतलब उसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है ना, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, लेकिन जो मेन आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, वो कहाँ मिलता है आपको, न्यूक्लियस में। बट यहाँ पे न्यूक्लियस में नहीं होता है, नेकेड डीएनए मतलब साइटोप्लाज्म में यहाँ पे डीएनए पड़ा होता है, ठीक है ना, विच इज़ नॉट इंक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ है। देखिए ये आपका किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर, डोंट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनिल्स, और इसके पास कोई भी ऑर्गेनिल्स भी नहीं होता। ऑर्गेनिल्स कौन कौन से होते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है ना, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या होता है सिर्फ इसके पास राइबोसोम होता है, मैंने कहा था इसके पास क्या होता है, ओनली राइबोसोम होता है। हैव सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल भी होती है। कैन मेक फोटोसिंथेसिस बट नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बट सारे नहीं होते हैं, वो कौन होते हैं, कीमो हेटरोट्रॉप्स या कीमो एटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इस बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया, इसमें देखिए आप लोग क्या है, प्ले होते हैं, प्लाज्मिड है इनके पास, ठीक है, कैप्सूल होता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, राइबोसोम है, फ्लैजला है, और इनमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट और देखिए इसमें, देखिए किंगडम मोनेरा करेक्टरिस्टिक्स, फाइव मेन करेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया के, उनको देखिए आप लोग, इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, वेट, ओके, फर्स्ट प्रोकैरियोट, दिस इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, ठीक है, ये ओनली अकेला प्रोकैरियोटिक किंगडम है जिसमें आपके बैक्टीरिया को रखा गया है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म, इनमें कोई भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया में पता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, अब एंडोप्लाज्म सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है ना। सिंगल सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम वही न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है ना, एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन और स्प्लिटिंग इनटू, ठीक है ना, मतलब इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक बैक्टीरिया सेल है, इसे डिवाइड करेगी, दो में दो बैक्टीरिया सेल बन जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन होता है इनमें, ठीक है ना, गॉट इट दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ रिज्ड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकन्स, याद रखना जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है ना, और जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, और जो आपके किंगडम फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है बताइए, पेप्टाइडोग्लाइकन से, और कैसे होती है, रिजिड होती है, ठीक है, रिजिड होती है, बट लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब इनके पास से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन है, एंड आपका वैक्यूल हो गया, उसके पास ही मेम्ब्रेन है, देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया पर मेम्ब्रेन है, एंड आपका क्लोरोप्लास्ट के पास ही मेम्ब्रेन है, बट यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। मेड ऑफ न्यूट्रिशन मेड मे बाई हेटरोट्रॉपिक, इनका न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है।
हाइड्रोट्रॉपिक फॉर्म्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट होते हैं, मतलब ये सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ले लेते हैं एंड किसी भी एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी के अंदर रह के भी अपना भोजन ले सकते हैं। सेप्रोफाइट्स कॉल्ड डिके, ठीक है ना, ये करते हैं, ये मतलब डिके करने का कारण होते हैं, मतलब ये डिके करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और प्यूट्रिफिकेशन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। फर्मेंटेशन इज एनरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू CO2, ठीक है ना। फर्मेंटेशन क्या है, एक एनरोबिक किस्म ब्रेक डाउन करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को इनटू CO2 में, अल्कोहल में, एंड इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्यूरिफिकेशन इज एनरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इस कॉल फॉल स्मेल, और इसमें बहुत सारी गंदी सी स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सारे बैक्टीरिया हैं, इसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए आपको बैक्टीरिया के, ठीक है ना, कोकस है, ठीक है, डिप्लोकोकस है, ठीक है ना, बैक्टीरिया फ्लेसला है, विब्रियो कोलाई है, ठीक है ना। ये देखिए आपका बैक्टीरिया का एक डायग्राम है, ठीक है ना। तो कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे लैक न्यूक्लियर, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। दे आर डिवॉइड ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास प्लास्टिड हो गया मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इनके पास नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, ठीक है ना। एडवांस 9+2 स्ट्रैंड फ्लैजला, जो यूकैरियोट्स होता है उसके जो फ्लैजला होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके जो फ्लैजला होते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं। बट मोनेरा में, मतलब आपका किंगडम प्रोकैरियोटिक में या किंगडम मतलब प्रोकैरियोटिक में या किंगडम मोनेरा में कोई भी 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है। दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, बट सम ग्रुप्स आर फूड सिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, अप्लाई फॉर मूवमेंट के लिए होते हैं, सेल वॉल स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए होती है, साइटोप्लाज्म फ्लूड पार्ट होता है अराउंड ऑर्गेनिल्स, राइबोसोम मेक प्रोटीन्स बनाते हैं, फ्लैजला सम हैव दिस फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए होते हैं, क्रोमोसोम सर्कुलर DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पैरासिटिक फॉर्म लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा था ना कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि बैक्टीरिया में क्या होता है, कई प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइट्स हो गए, ठीक है ना, मैंने आपको पहला सेप्रोफाइट्स पढ़ाया था, दूसरा आपका न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक है। तो पैरासिटिक फॉर्म लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये ग्रो करते हैं और वहीं से अपना फूड लेते हैं एंड ऑप्टे रेडीमेड, ठीक है ना, रेडीमेड बना हुआ फूड लेते हैं फ्रॉम होस्ट, होस्ट मतलब किसी भी जिस बॉडी पे लगते हैं, जिस बॉडी के अंदर रहते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है ना, होस्ट से अपना फूड लेते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखिए, द ऑटोट्रॉपिक, के ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक फॉर्म प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड, या अपना ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं बाय रिड्यूसिंग CO2 को रिड्यूसिंग करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस, तो हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक। मैनी फिक्स फ्री नाइट्रोजन एंड इन रिच द सॉइल, दस मोनरल्स आर इंपोर्टेंट डिकम्पोजर्स, कुछ मोनरल्स किसके लिए इंपोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मिनरल्स एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है, मिनरल्स एंड नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्सर करते हैं उसका बायोस्फीयर में, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के बाद कौन सा आपका किंगडम आएगा, अब आपका किंगडम आएगा प्रोटिस्टा, ठीक है, उसमें कुछ आपके रिप्रोडक्शन में इसको देख लो, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिशन और बडिंग, ठीक है ना। जो किंगडम मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बाइनरी फिशन होता है और बडिंग होता है। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स टू मेजर ग्रुप्स, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया कैन थ्राइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट विच रिजेंबल द कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, दे में हेलोफाइट्स होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, मेथोजेंस होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, ठीक है ना, ये भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं, ये यूकैरियोट्स होंगे, मतलब इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, इसमें DNA प्लस स्टोन प्रोटीन दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, ये आपका होता है यूकैरियोट। तो देखिए ये यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसको देख लीजिए, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डाइवर्स काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर होते हैं, प्राइमरली एक्विटिक यूकैरियोटिक, ठीक है ना, ये एक्विटिक भी होते हैं, प्राइमरली नहीं, एक्विटिक ज़्यादातर ये एक्विटिक होते हैं। दे हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट दे कंटेन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल्स सच एज न्यूक्लियस, मतलब इनके पास जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, इनके पास क्या क्या ऑर्गेनिल्स, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है ना, गॉल्जी बॉडीज होंगी, प्लास्टिड, प्लास्टिड का मतलब होता है कि प्लास्टिड आप कई तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका क्लोरोप्लास्ट
प्लास्ट, एक आपका क्रोमोप्लास्ट और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी जब प्लास्टिड पढ़ाऊंगी तब। तो क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेटिक, मतलब इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक करते हैं, अपना भोजन फोटोसिंथेसिस करके प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, दे ऑफन बियर फ्लैजला, इनके पास फ्लैजला और सीलिया होता है, वो कितना होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है इनमें। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी जब फ्लैजला पढ़ाऊंगी पूरा अच्छे से तब बताऊंगी। ठीक है ना, एंड यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, तो यहाँ पे देख लीजिए डोमेन यूकैरिया किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है ना, एनी यूकैरियोट दैट इन नॉट क्लासिफाई एज अ फंगस प्लांट और एनिमल, यहाँ पे कोई फंगस प्लांट और एनिमल नहीं है, यहाँ पे ओनली प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा है। थ्री मेजर ग्रुप्स है, एनिमल लाइक यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट लाइक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फंगस लाइक यूनिसेलुलर डिकम्पोजर्स। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा को, वेट देखिए ये आपके यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अमीबा है ये, ठीक है ना, डायनोफ्लेजलेट है, यूग्लिना है, ठीक है ना, या सर आपके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है ना, यहाँ पे भी जो प्रोटिस्टा होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है ना, सेल वॉल होती है। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉपिक, इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक हो सकता है, ठीक है ना, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइट भी होते हैं। फाइटोप्लैंकटन, जैसे फाइटोप्लैंकटन है, ठीक है ना, आर फ्लोटिंग एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप्स होता है। ठीक है ना, फाइटोप्लैंकटन होता है वो फ्लोटिंग करता है, मतलब पानी में तैरता है। ठीक है ना, एंड फोटोसिंथेटिक होता है, अपना भोजन खुद बनाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव अ सेल वॉल, ठीक है ना, बहुत सारे फाइटोप्लैंकटन में सेल वॉल होती है, एंड सेवरल हैव फ्लैजला, और कई में फ्लैजला भी होते हैं, मतलब कई सारे फ्लैजला होते हैं। दे आर द चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, ठीक है ना, ओशियंस में ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं कौन, फाइटोप्लैंकटन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए सम प्रोटिस्ट आर प्रीडेटर्स और कंज्यूमर्स। ठीक है ना, कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं, जिससे आपका प्रोटोजोअन हो गया। दिस डू नॉट हैव सेल वॉल एंड शो होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सम प्रोटोजोअन्स लाइव पैरासाइट, कुछ प्रोटोजोअन्स पैरासाइट के रूप में रहते हैं। पैरासाइट मैंने आपको बताया था कि किसी दूसरी की बॉडी पर डिपेंडेंट रहना, ठीक है, इन अदर एनिमल। द प्रोटोजोअन्स आर प्रिमिटिव यूकैरियोटिक फ्रॉम विच मल्टी सेलर यूकैरियोटिक हैव इवॉल्व्ड, दे एक्ट अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक मोनरन्स एंड द कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर किंगडम। ठीक है, तो द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना, अ प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक, दिस मीन्स दैट देयर सेल कंटेन अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, मिनरल स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्लोज द सेल जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपका न्यूक्लियस के अंदर सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। सॉरी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, बट फिर भी लेक्चर ले रही हूँ, सो आप मैनेज कीजिए। ओके, सम प्रोटिस्ट आर ऑटोट्रॉप्स लाइक प्लांट, अदर आर कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स। अनलाइक प्लांट एंड एनिमल, हाउएवर प्रोटिस्ट डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। ये सब इसके एग्जांपल है, स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा, यूग्लिना, डायनोफ्लेजलेट, पैरामीसियम, डायटम एंड मैक्रोलिका। देखिए मैं आपको ना किंगडम प्रोटिस्टा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी थोड़ा ब्रीफ में देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, देखिए किंगडम आपका प्रोटिस्टा है, ठीक है ना, तो ठीक है देखिए यहाँ पे, ठीक है आपका यूग्लिना है, तो इसमें देखिए आप लोग, देखिए आपका फर्स्ट पेलिकल है, ठीक है, बाउंड्रीज की, देन आपका न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस, देन आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, देन फ्लैजला है, आई स्पॉट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई क्या होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है ना, तो किंगडम फंजाई इंक्लूड्स मोल्ड्स, मशरूम, पफ बॉल्स एंड फ्रैकेट फंजाई, दे हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। मेरी बात सुनिए, वैसे तो आपके सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक आपका है यीस्ट, ठीक है ना, आपको लिखा भी है इस पे, तो जो आपका यीस्ट होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, और बाकी सब फंजाई क्या होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है ना, तो दे आर यूनिसेलुलर यीस्ट। ठीक है, ओनली एक आपका है यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, और बाकी सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, अगर क्लोरोफिल होता तो अपना फूड खुद बना लेती है ना। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सम आर सेप्रोफाइट्स एंड सम पैरासाइट्स। कहने का मतलब है कि अपना भोजन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि आपका कोई फंजाई है,
लेकिन यहाँ पे भोजन है, तो इन्होंने इसने अपने एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट किए, ठीक है ना। जब इसके एंजाइम ने भोजन आपका पूरा यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है ना, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड सम कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसमें किंगडम फंजाई करेक्ट हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ऑप्टेन एनर्जी बाई डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ फिलामेंटस सेल, सेल वॉल इसकी काइटिन से बनी होती है, ठीक है ना, गो थ्रू न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन विद नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट और देखिए इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसकी, थैलस कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट थ्रेड लाइक हाइफे, मतलब इनका जो जब इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर बनाता है हाइफे से बना होता है, ठीक है ना। कई सारे हाइफे उन्हें क्या बनाते हैं, माइसिलियम बनाते हैं, इसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लाइक फेट, देखिए जैसे कि आपके हाइफे है, ठीक है ना, ये आपके हाइफे है कई सारे, ठीक है ना, तो ये हाइफे होते हैं ऐसे करके, और हाइफे कई सारे में क्या बनाते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, नेटवर्क पूरा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइसिलियम। तो थैलस कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट थ्रेड लाइक हाइपे, द नेटवर्क ऑफ हाइपे फॉर्म्स द माइसिलियम, क्या बनाता है, माइसिलियम बनाता है। द हाइपे में भी यूनियन न्यूक्लेटेड और मल्टी न्यूक्लेटेड, मतलब एक हाइपे में, ठीक है ना, एक हाइपे में आपका एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक हाइपे में आपके कई सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। द सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। एंड रिजर्व फूड इज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और एक फूड मतलब जो इनका फूड होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर और कोनिडिया, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है और स्पोर्स के द्वारा होता है और कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसके आपका कोई भी फंजाई है इससे क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है ना, स्पोर्स और कोनिडिया। पैरासाइट्स फॉर्म्स कॉज डिजीज इन प्लांटेड एनिमल, ठीक है ना, ये आपके प्लांटेड एनिमल में डिजीज भी करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट फॉर्म में। द फ्लामेंटस एक्टिविटी ऑफ सम फंजाई यीस्ट इज यूज इन ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, फंजाई का हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, आप सब लोग को पता है ये चीज़, है ना। अब देखिए इसके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई की, वो भी देख लीजिए आप थोड़े। फंजाई आर यूकैरियोटिक, पसेस मेम्ब्रेन एंड बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। दे कैन एग्जिस्ट बोथ एज यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर पर क्या एग्जांपल है, कोई पूछे तो यीस्ट बोलते हैं ना, ठीक है। दे आर ए वस्कुलर, मतलब इनमें कोई वस्कुलर नहीं होता, ठीक है ना, इसमें कोई जालम फ्लोएम वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊंगी जालम फ्लोएम क्या होते हैं, अब किंगडम प्लांटी पढ़ाऊंगी तब, ठीक है ना। मोस्ट फंजाई ग्रो एज ट्यूबुलर फ्लामेंट, ठीक है ना, हाइपी, मतलब कुछ आपके फंजाई होते हैं वो ट्यूबुलर फ्लामेंट होता है ना, हाइपी होता है। एक कनेक्टेड मास ऑफ हाइपी इज कॉल्ड माइसिलियम, जब हाइपी कई सारे कनेक्ट होते हैं क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है ना। फंजाई आर द डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, विच दे डिकम्पोजर्स इन टू सिंपल ऑर्गेनिक, और जो डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको इनऑर्गेनिक में तोड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको किंगडम फंजाई पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं ओनली आपको ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। अब आपका आता है किंगडम प्लांटी, पूरा एक चैप्टर है आपको किंगडम प्लांटी, आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर दे रखा है किंगडम प्लांटी का, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात, आपका एक चैप्टर नंबर 3 है, वो है आपका किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, तो मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम प्लांटी, और आपका चैप्टर 5 है किंगडम एनिमिलिया, तो मैं इन सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आपकी बुक में दे रखा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ओके। चलिए देखिए, किंगडम प्लांटी मल्टीसेलुलर आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है ना, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड जो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, एंड ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेलुलर फूड सिंथेटिक प्लांट्स ऑन लैंड, सी, शोर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, मतलब कोई भी कुछ भी जगह हो, कहीं भी, हर जगह आपको प्लांट्स मिलेंगे, और फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सी बीड्स भी कंसिस्टिंग ऑफ रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी, ठीक है, मॉसिस, फर्न्स एंड सी प्लांट, सीड प्लांट बिलोंग टू दिस किंगडम, इसी किंगडम में सब आते हैं, चाहे आपके एल्गी हो गया, मॉसिस हो गया, ठीक है ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब आपके किंगडम प्लांटी में आएंगे। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड, ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं आपकी ज़मीन पर। द जनरल करेक्टर्स दिस किंगडम आर, कुछ जनरल करेक्टर्स है वो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपका किंगडम प्लांटी है, ठीक है ना, इसमें आपके अगर हम किंगडम प्लांटी को देखें, तो हमने इसको जब इसमें कुछ देखिए,
इसमें एल्गी भी आता है आपका, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी सब आते हैं, ब्रायोफाइट है, मोसिस सारे आएंगे, ठीक है, टेरिडोफाइट, ट्रैकियोफाइट, फर्न्स वगैरह सारे आते हैं, जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स आते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है। तो हमने इन सबको किंगडम प्लांटी में ही रखा गया, ये बोल रहे हैं ये। दे आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कई सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, एंड यू कैरियोट्स विद क्लोरोफिल, हाँ इनमें क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये अपना फूड सेल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, क्लोरोफिल की वजह से। सेल विद अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और जो इनकी सेल होती है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। देखिए ये आपका, ये है आपका सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, लार्ज। देखिए आप एक टिपिकल प्लांट सेल को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपका सेंट्रल वैक्यूल जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है ना। देखिए इसमें सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो ये क्लोरोप्लास्ट है जो फूड प्रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है ना, फूड सिंथेसिस करवाता है, यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस देखिए, ठीक है ना, इसके साथ मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम भी है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए सेल विद अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड अ सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, और सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट आर इमोवेबल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते हैं, एंड डू नॉट एक्सिट लोकोमोशन, इनमें कोई लोकोमोशन भी होता है, एज सीन इन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टर्स, ठीक है ना, कुछ प्रोटिस्टर उनमें देखने को आपको मिलता है, लेकिन ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग देखिए, दे सिंथेसिस देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वाटर, CO2 एंड मिनरल्स, ये अपना जो फूड बनाते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अपना फूड कैसे बनाते हैं, CO2 प्लस H2O, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये बताया था ना आपको, तो वही है कि अपना फूड कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वाटर, CO2 एंड मिनरल्स, यूजिंग लाइट एनर्जी, यूजिंग लाइट एनर्जी को यूज़ करके बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है ना, क्लोरोफिल के द्वारा ये एनर्जी लाइट को, सूर्य के प्रकाश को ही ट्रैप करते हैं। दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑन द लैंड, ठीक है ना, ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं लैंड पर, ठीक है ना। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट आर हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँ, कुछ एक्सेप्शन है, इसमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया आपका, ठीक है ना, ये सब होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। लिविंग आप पैराइटल पैरासाइट्स ऑन अदर प्लांट, कुछ आपकी पैरासाइट्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अ फ्यू लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द बैक्टीरिया लेग्यूम्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, ट्रैप करता है एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट करता है एंड एब्जॉर्ब देयर नाइट्रोजनस मैटर, मैं आपको ये सब बताऊंगी बाद में, ये आपका एक्सेप्शन हो गया इसमें, ठीक है ना, तो घबराओ मत इसको। देखिए किंगडम प्लांट्स में एल्गी आता है आपका, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका एक किंगडम आपका प्लांटी है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है ना। देखिए वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है ना, ठीक है, प्लस H2O एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये सारे आपके प्लांट्स हैं, ठीक है। देन आपके प्लांट देखिए मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होते हैं इनमें, डू फूड सिंथेसिस करते हैं, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं आपके किंगडम एनिमिलिया की, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं ये, वो क्या थे, प्रोड्यूसर्स थे, जो फूड खुद बना रहे थे, कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, बोलते हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सब आते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ एनिमल, स्पॉन्जेस हो गए, निडेरियंस हो गए, फ्लैट वर्म हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्का, कॉर्डेटा, ठीक है, मैं आपको पूरा किंगडम एनिमिलिया पढ़ाऊंगी, तब बड़ा इंटरेस्ट जुड़ेगी भी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। दे शो फॉलोइंग जनरल करेक्टर्स, इसमें कुछ जनरल करेक्टर्स हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑल्सो नोन एज मेटोजोआ, ठीक है। दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि अपना फूड ये खुद नहीं बनाते हैं। एंड शो होलोजेक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होलोजेक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है ना। दे इंजेस्ट द फूड, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इट एंड एब्जॉर्ब इट, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हम खाने को लेते हैं, निकलते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं, यही तो होता है, है ना। एक्सेप्ट प्रिमिटिव मेटाजोअन्स लाइक स्पॉन्जेस, दे लीड मोबाइल, ठीक है, ये कुछ स्पॉन्जेस होते हैं, वो मोबाइल मतलब मोबिलिटी शो करते हैं, वे ऑफ लाइफ इन परसिट ऑफ फूड, ठीक है ना, मतलब ये अपना फूड खुद ले लेते हैं, कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनिमल एनिमिलिया में मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है ना, और कौन होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना, लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, वर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन होगी इनमें, ठीक है, इनवर्टिब्रेट जो नो बैकबोन, बैकबोन नहीं होती है, ठीक है, ये आपका वर्टिब्रेट है, इसमें आपकी बैकबोन है, ठीक है ना, देखिए बैकबोन है, ये आपके इनवर्टिब्रेट है सारे, प्रॉन हो गया आपका, अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच है, ठीक है ना, सी अर्चिन है, फ्लाई है, स्टारफिश है, स्क्विड है, ठीक है ना, ये सब स्नेल है, ये कौन है आपके,
इनवर्टिब्रेट, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको जो एनिमेलिया है उसमें कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। देन द मोबिलिटी इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल सेल एंड नर्व सेल, ठीक है ना, इनमें मोबिलिटी होती है किसी कारण, मसल सेल के डेवलपमेंट के कारण, नर्व सेल के डेवलपमेंट के कारण। सम एनिमल्स ग्रुप हैव बिकम पैरासिटिक, कुछ एनिमल पैरासिटिक होते हैं, टैपवर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। जैसे कि द एनिमल आर द कंज्यूमर्स, एनिमल कंज्यूमर्स होते हैं, दे फॉर्मलिंग इन डिफरेंट फूड चेन, मतलब ये फूड चेन बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना, ये सब होता है, मतलब पहले हर्बीवोर्स, ठीक है ना, फिर आपके कार्निवोर्स होते हैं, ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए किंगडम एनिमेलिया, इनवर्टिब्रेट्स जो आपके हैं 95 से 97% ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट्स हैं, लाइक नर्व कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाई बॉडी कवरिंग, उनमें नर्व कॉर्ड नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है 3 to 5% होते हैं वर्टिब्रेट्स जिनमें नर्व कॉर्ड होती है, कहने मतलब बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए ये है आपके, ठीक है, इसमें क्या आता है पॉरीफेरा, ठीक है, रेडेरियंस, प्रेटी हेलमेंटीज, मॉलस्का, एनिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइंडरमेटा, कॉर्डेटा, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये सारे आपके किंगडम एनिमेला के सारे फाइलम हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जस्टिफिकेशन फॉर फाइव किंगडम सिस्टम, फॉर फाइव किंगडम सिस्टम में क्या जस्टिफिकेशन था, तो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन अ सेपरेट किंगडम, ठीक है ना, मतलब जो आपका प्रोकैरियोटिक का सेपरेशन था उसको एक किंगडम मोनेरा में एक अलग रखा गया हमने, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक थे जितने भी, जिनमें सेल जिनमें न्यूक्लियर मेमोरी नहीं थी, जिनमें डीएनए प्लस मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, उनको हमने एक अलग किंगडम में रखा, उसका नाम क्या था, किंगडम मोनेरा, इज फुल्ली जस्टिफाइड, ये फुल्ली जस्टिफाइड था बिकॉज दे डिफर फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, ये सारे अदर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है ना, इनका सेल डिफरेंट था, रिप्रोडक्शन का डिफरेंट था, एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी मतलब बिल्कुल डिफरेंट था ये। इंक्लूजन ऑफ मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लाइक यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, विच वर अर्लियर इंक्लूड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, कहने का मतलब है जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको हमने किंगडम प्लांटिक, किंगडम एनिमेलिया के साथ रखा, बट फिर हमने इन्हें बाद में किंगडम प्रोटिस्टा, फिर हमने इन्हें बाद में किंगडम प्रोटिस्टा में अलग रखा, ठीक है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में अलग रखा, देखिए इंडिपेंडेंट किंगडम प्रोटिस्टा बनाया है, ठीक है ना। फिर सेपरेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का सेपरेशन किया, इनटू सेपरेट किंगडम में रखा, किंगडम फंजाई में रखा, फुल्ली जस्टिफाइड बिकॉज इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल दे ऑल टुगेदर डिफर फ्रॉम प्लांट विथ विच दे वर अर्लियर ग्रुप, मतलब पहले हमने किंगडम फंजाई किंगडम प्लांट के साथ रखा था, बट हमने फिर इसको अलग से ही एक किंगडम फंजाई अलग बना दिया, ठीक है, जो बिल्कुल ही अलग है, ओके। नेक्स्ट आपका इसमें आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मोर पर्टिकुलरली ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म आर नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड, मतलब इन्हें किसी ने रिफ्लेक्ट नहीं किया, मतलब कुछ आपके ऑर्गेनिज्म मतलब इवोल्यूशन से हमने इनको रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप अगर किंगडम प्लांट की बात करें तो पहले आपकी एल्गी है, ठीक है ना, फिर आपकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे किंगडम एनिमिला की बात करें तो पहले आपका पॉरीफेरा है, निडेरियंस है, ठीक है ना, एलिडा है, निमिटोडा है, प्रीटी हेलमेंटीज वगैरह, इन सबको हमने एक सीरीज वाइज रखा हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन से रखा हुआ है इनको। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फूड सिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड फूड सिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम सोर्स अदर देन वाटर, बट दे हैव बीन कैप्ट इन डिफरेंट किंगडम, ठीक है ना। अब सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वेट कुछ इसमें है, द प्लांट एंड एनिमेलिया किंगडम आर मोर होमोजीनस नाउ देन दे वर इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, प्लांट एंड एनिमल एनिमल्स को हमने अलग अलग किंगडम में रखा हुआ है, ठीक है ना। द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको हमने एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर इनको हमने क्लासीफाई किया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस हमने क्लासीफाई किया है, हमने तो बताया था क्राइटेरिया बताया था ना सबका, ठीक है ना। इट इज मोर नेचुरल बिकॉज इट इंडिकेट द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना, ग्रेजुअल इवोल्यूशन को बताता है। अब कुछ आपकी इसमें शॉर्ट कमिंग भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको हम देख लेते हैं। मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टा आर हाइड्रोजिनस ग्रुप्स, दे इंक्लूड फोटोसिंथेटिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड ऑल्सो विथ एंड विदाउट सेल वॉल, ठीक है ना, इनमें कुछ सेल वॉल है, कुछ में सेल वॉल नहीं है, ये कुछ आपका ड्रॉबैक है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एल्गी बिकॉज of this green have not been includes in kingdom protista by Whitaker, ठीक है। The three higher kingdom fungi, planted animalia are polyphyletic because several multicellular lines originated from protists, ठीक है। ये आपको शॉर्ट कमिंग थी,
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो कार्ल वॉइस इन 1978 एडेड अ न्यू, ठीक है यहाँ पे न्यू होगा, न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ द डोमेन्स अबव द लेवल ऑफ किंगडम। आर्किबैक्टीरिया अ ग्रुप ऑफ एनोरोबिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पास प्लेस्ड इन डोमेन आर्किया। फिर उनको आर्किया में रखा था। ऑल लिविंग बैक्टीरिया इन डोमेन यू बैक्टीरिया में रखा। प्रोटिस्टा थे उनको अपने यूकेरिया में रखा, ठीक है। फंजाई एंड ऑल प्लांट एनिमल इन डोमेन यूकेरिया एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ किंगडम। ऐसे हमने किंगडम का स्प्रेडिंग कर दिया। मोनिरंस इन टू आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया द लिविंग वर्ल्ड एज अ रिजल्ट स्प्रेडिंग ऑफ किंगडम आर्किबैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोटिस्टा फंजाई एंड प्लांट एनिमलिया। ऐसे हमारे सिक्स किंगडम बन गए, मतलब आर्किबैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, ठीक है ना, ठीक है, फिर आपका प्रोटिस्टा, ठीक है ना, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये आर्किबैक्टीरिया आपके, यू बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, ठीक है ना, फंजाई है आपका, प्लांटी है, एनिमेलिया है, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया में कौन आएंगे, जो आपके एनोरोबिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको हमने आर्किबैक्टीरिया में रखा हुआ है, ठीक है। जो आपके लिविंग बैक्टीरिया है, जो आपके लिविंग बैक्टीरिया है उनको हमने यू बैक्टीरिया में रखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर आपका प्रोटिस्टा है वो जो यूकेरिया हम बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। पहले क्या था, फाइव किंगडम सिस्टम हम अब जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या था कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही बैक्टीरिया, मतलब आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को हमने किंगडम मोनेरा में रखा हुआ था, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। आर्किबैक्टीरिया अलग है, यू बैक्टीरिया अलग है, फिर आपका प्रोटिस्टा, फिर आपका फंजा, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया, ठीक है ना। बट आर्किबैक्टीरियल सेल डिफर फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, ठीक है। आर्किबैक्टीरियल की सेल बैक्टीरियल सेल डिफर होती है इन डीएनए सीक्वेंस में, इन टीआरएनए मतलब ट्रांसफर राइबोसोम एंड राइबोसोम में। द थ्री टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन ऑर्गेनिज्म आर्किबैक्टीरियल बैक्टीरियल एंड यूकेरियोटिक, ठीक है ना। तो आपका सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, जस्ट वेट 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 वेट। ये देखिए सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसमें यू बैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये आपका है सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए ये तो आपकी बात होगी सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक उसमें बात करेंगे वायरस की, ठीक है ना। पूरा हम वायरस को डिटेल में समझाएंगे, इसमें आपका वायरस है, उसके बाद टाइप ऑफ वायरस है, शेप साइज वगैरह है इसकी, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन वायरस है, ठीक है ना, इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स, प्रियोन्स, ठीक है, इन सबको भी हम बाद में देख लेंगे, ओके। अब आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर आपका किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ठीक है, ये आपका पूरा एक चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।